नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट टॉपिक तो वैसे नहीं कहेंगे, ये आपने जो अभी मेरे लास्ट के 2-3 लेक्चर्स जो अटेंड किए हैं उन्हीं का ही ये लगा लो, वही चीजें मैं रिपीट करने वाली हूँ एक्चुअल में। बट ये लेक्चर हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ना कई बार आपका पेपर में एज इट इज आ जाता है, तो आपको पता ही नहीं होता कि कितना पोर्शन अटेम्प्ट करना है, इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जस्ट वो चीज रिप्रेजेंट करने के लिए आज की क्लास है आपकी। अदरवाइज जो भी टर्म आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सब आप पहले कर चुके हो। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक का नाम देख लो, क्वांटम नंबर यूज इन वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम में जो आपने वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था उस वेव फंक्शन के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर यूज किए जाते हैं उसमें। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने टाइप के आपके क्वांटम नंबर हैं, तो वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर, फर्स्ट अगर हम बात करें एन, नेक्स्ट एल, उससे नेक्स्ट हमारा एम, फिर हमारा एस। तो N, L, M और S 4 क्वांटम नंबर होते हैं आपके। N यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L यहां पर आपका क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर ये टॉपिक आपका पेपर में आता है तो वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा होगा कि जो आपने ये 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं अभी तक, इन चारों में से कौन से क्वांटम नंबर जो है आपका वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम में इन्वॉल्व है, कि जो आपने वेव फंक्शन कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम के लिए उसके अंदर कौन कौन से वेव क्वांटम नंबर आपके इन्वॉल्व है, वो चीज आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक लाइन में भी आंसर हो सकता है कि आप डायरेक्ट बता दो, आपको पता होगा कि कौन कौन से आपके क्वांटम नंबर इन चारों में से इन्वॉल्व है। बट हमारा लेंथी पेपर होता है तो उसमें हमें एक मतलब मार्किंग के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना होता है, तो उसके बेसिस पे अगर आपको टॉपिक अगर अटेम्प्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, देखिए। सबसे पहले अब आपको ये 4 क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उसके बाद ये देख लेते हैं इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एन जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो इंटीजर वैल्यू रखता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकता है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स पे रखेगा, 0 नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। पहले ये एक सेकंड यहां से ये बता देती हूँ, पहले उसके बाद बात करेंगे। क्वांटम नंबर जो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये यहां से हमें नंबर ऑफ शेल की इंफॉर्मेशन देता है। नंबर ऑफ शेल की मतलब आप कौन से शेल की बात कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद अगर हम एजिमिथल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, सॉरी सबशेल्स के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ सबशेल की इंफॉर्मेशन हमें देगा। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के। और लास्ट आपका स्पिन क्वांटम नंबर आपकी स्पिन के बारे में ही बताता है, स्पिन आपकी 2 हो सकती है क्लॉकवाइज या आपकी एंटी क्लॉकवाइज। मास्टर लेवल में आने के बाद आप सभी को पता ही होता है कि इन चारों क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन तो होती ही है, बट जिसको भी अगर नहीं भी पता था तो उसके लिए मैंने थोड़ा बेसिक वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके 4 क्वांटम नंबर होंगे, इनमें से ये चारों में से ये हमारा नंबर ऑफ शेल को एक्सप्लेन करेगा, नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ सबशेल को, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताता है, फिर हमारा स्पिन के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज स्पिन है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी एन हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हमारा इंटीजर वैल्यू रखता है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स की आपके रखेगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ शेल है वो एक
तो शेल रखे गए ना, तो हमारा 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, इससे कम हमारा नंबर ऑफ शेल्स नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव में आप कैसे किसी नंबर को ले सकते हो। तो यहाँ पर इसके बाद अगर आप एल की बात करो तो नंबर ऑफ शेल सब शेल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो एल वैल्यू आपकी कैलकुलेट की जाती है 0 to 0 to n-1, इससे हमारी एल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, -L2+L इंक्लूडिंग जीरो। और स्पिन क्वांटम नंबर आपका या तो +1/2 वैल्यू रखेगा या -1/2 वैल्यू रखेगा। क्लॉकवाइज है तो अगर हम उसको +1/2 दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि क्लॉकवाइज को ही आपको +1/2 देना है या एंटी क्लॉकवाइज को ही आपको +1/2 देना है, आप जिसको मर्जी जो वैल्यू दे सकते हो। बट अगर आपने क्लॉकवाइज को +1/2 वैल्यू दी है तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन वैल्यू रख रहा है वो आपकी -1/2 ही होगी। तो ये तो था बेसिक सा, ये आपको पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना, ये जैसे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है। अब आपको अटेम्प्ट कहां से करना है वो देख लीजिए। बार बार बोल रही हूँ, आज का लेक्चर आप लोग ऑलमोस्ट कर चुके हो तो वही चीजें हमने रिपीट करनी है। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टर्म देखिए, वेव फंक्शन हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने साई से रिप्रेजेंट किया वेव फंक्शन को, और उस साई के अंदर हमारे दो पार्ट्स थे, एक आपका रेडियल पार्ट था, एक आपका एंगुलर वेव फंक्शन। हमारे पास दो टाइप के वेव फंक्शन आए थे वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने के लिए, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या यू कह लो कंप्लीट वेव फंक्शन। कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें आपका रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेव फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिला था। बट बेसिकली दो फंक्शन नहीं, वो तीन थे। तीन क्यों थे, क्योंकि एंगुलर आपके दो पार्ट को कंटेन कर रहा था, एक आपका थीटा था एक आपका फाई था, और रेडियल को आपने आर से रिप्रेजेंट किया था। तो मेरा साई फंक्शन किसके इक्वल था, आर आर टाइप का फंक्शन था एक, जो कि रेडियल वेव फंक्शन था, इंटू थीटा टाइप का फंक्शन था, इंटू फाई टाइप का फंक्शन था। और हमने ये ओवरऑल इसको कैलकुलेट कर लिया है, आर वैल्यू के लिए भी, थीटा के लिए भी और फाई के लिए भी। हमने रेडियल वेव फंक्शन को भी पूरा कैलकुलेट किया था, थीटा को भी, और फाई वेव फंक्शन को भी अलग अलग सेपरेटली हमने कैलकुलेट करके उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में हमने रिजल्ट भी ऑब्जर्व कर लिया था सारा का सारा। अब इसके लिए हमने क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, अब आगे क्वांटम नंबर के कौन कौन से क्वांटम नंबर हमारे इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब अगर हम इन तीनों मतलब वेव फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इनकी वैल्यूज की अगर बात करें तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या आई थी, साई इज इक्वल टू, पहले हम आर की वैल्यू लिखेंगे, आर का रिजल्ट हमारे लिए क्या आया था, रो रेस टू पावर एल इंटू ई रेस टू पावर माइनस रो बाय टू इंटू एल 12 प्लस 1 n प्लस L, और ये तो था हमारा R का रिजल्ट। उसके बाद अगर हम बात करें थीटा की तो थीटा के लिए हमारा क्या रिजल्ट आया था, 12 प्लस 1/2 इंटू एल माइनस एम, मतलब मोड m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय L प्लस मोड m का फैक्टोरियल रेस टू पावर 1/2। और साथ में क्या था, ये एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, तो पी एल मोड एम कोस थीटा, ये टर्म था। और इसके बाद अगर हम, ये तो हमारा हो गया कोण थीटा, और ये हमारा कोण हुआ आर, ये हमारा थीटा टाइप का। अब बचा कोण फाई वैल्यू, तो फाई में हमारे रिजल्ट क्या आया था, 1/√2π e रेस टू पावर आयोटा एम फाई, e रेस टू पावर आयोटा एम फाई। एक चीज सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने पिछली वीडियोस में एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, यहां पर मैंने
नेगेटिव साइन लगाया हुआ है रिजल्ट में हर जगह, वो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, वो सिर्फ हमारा पॉजिटिव वैल्यू में ही रिजल्ट देता है। जो हमारी फाइव की वैल्यू आएगी वो ई रेस टू पावर आयोटा एम फाइव है, ना कि माइनस आयोटा एम फाइव है। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पर सभी बच्चे ये ठीक कर लेंगे। जब नोट्स बना रहे होगे आप लोग तो उस टाइम पे यहाँ पर आयोटा एम फाइव करोगे, ना कि आपका मतलब माइनस आयोटा एम फाइव। तो उसके बाद ये आपकी हो गई फाइव वैल्यू, वहां पर भी मैं पिन करके कमेंट डाल दूंगी, वहां से भी आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो। बट आप यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस यहाँ से ध्यान रखना, आयोटा एम फाइव आना है रिजल्ट में, माइनस आयोटा नहीं आएगा। तो ये हमारे तीनों वैल्यूज हो गई आर थीटा और फाइव की। ये मेरा आर है, ये मेरा थीटा वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वहां से, और ये हमारी फाइव वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वहां, हमने इनकी डिटेल डिस्कशन कर ली थी और डायरेक्ट रिजल्ट हम वहां से लिख रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्वांटम नंबर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, यहाँ पर कौन सा क्वांटम नंबर यूज हो रहा है हमारा डिफरेंट डिफरेंट आपके वेव फंक्शंस के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीन टाइप के वेव फंक्शन मिलके एक हमारा कंप्लीट वेव फंक्शन बना रहे हैं। इसमें आर है, थीटा है और फाई है। आर के अंदर कौन कौन सा क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है यहाँ पर देखो, एन और एल। अभी आपको मैंने चार क्वांटम नंबर बताए थे, एन एल एम और एस। तो एन और एल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, एन और एल दो क्वांटम नंबर यूज है। इसमें कितने क्वांटम नंबर यूज हो रहे हैं आपके, एल और एम क्वांटम नंबर, इसका मतलब एजिमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक साथ में आपका क्वांटम नंबर यहाँ पर फाइव में कौन सा यूज हो रहा है, सिर्फ एम क्वांटम नंबर। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि हमारे सिर्फ तीन क्वांटम नंबर ही यूज हो रहे हैं कंप्लीट हमारा वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। कौन कौन से तीन, एन एल, यहाँ पर फिर से एल है बट, और साथ में एम और एम यहाँ पर फिर से है। तो हमारे तीन ही क्वांटम नंबर यूज होते हैं किसी भी वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए कंप्लीट वेव फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे तीन क्वांटम नंबर यूज होंगे। अब इसके बाद इनकी वन बाय वन डिस्कशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा अगर वेव फंक्शन कोई भी है तो अगर वो क्वांटम नंबर यूज कर रहा है तो उसमें किस तरह से उसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये देखिए, अभी हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि हमारा जो आर रेडियल फंक्शन है, आर आर टाइप का फंक्शन है, उसके अंदर दो क्वांटम नंबर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एन और एल क्वांटम नंबर यूज हो रहा है। थीटा थीटा के अंदर एल और एम क्वांटम नंबर यूज हो रहा है। उसके बाद फाई फाई के अंदर बात करें तो हमारा सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर यूज हो रहा है, विच इज एम। तो अगर ये मेरा रेडियल वेव फंक्शन है, इसमें मैंने तब भी बताया था आपको ये कैपिटल आर जो है वो एक फंक्शन है और आर जो है ये मेरा वेरिएबल है, और ये आर ये आर जो है स्मॉल आर से जिसको रिप्रेजेंट किया आपने, ये आर आपको क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी जिस भी शेल की आप बात कर रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस या जिस भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो उसके लिए डिस्टेंस बताएगा न्यूक्लियस से। तो यहां पर ये जो दो ये वेव फंक्शन जो है, अगर वेव फंक्शन इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो वो हमारा दो क्वांटम नंबर पर बेस्ड है, और इसके लिए मुझे एन वैल्यू पता होनी चाहिए और एल वैल्यू। एन वही आपके इंटीजर ही चलेंगे, 1 2 3 4, और एल हमने अभी देखा था 0 to n-1 से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास जस्ट ये दोनों वैल्यूज हैं तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ अपना आर आर मीन्स क्या, आपका रेडियल वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, दो वेव फंक्शन विच इज एन और एल। तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है अब तक आप लोगों की, तो अब तक तो आपको ये पानी की तरह रट जानी चाहिए कि भाई हम कौन सा क्वांटम नंबर किस में यूज कर रहे हैं। ये एन और एल मैं सिर्फ रेडियल में यूज कर रही हूँ, एल एम हमारा यूज होता है थीटा में और एम आपका फाई में। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा थीटा ये जो थीटा फंक्शन है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पर। तो इसका मतलब जो ये स्मॉल थीटा है ये मेरा एंगल बताता है, एंगल डिफाइन करता है या वेरिएंस बताता है, वेरिएंस फ्रॉम न्यूक्लियस, वेरिएंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिफाइन करता है। उसके साथ साथ इसमें दो क्वांटम नंबर यूज हो रहे हैं जो कि आपका एल और एम। एल वही आपका कैसे कैलकुलेट होगा, 0 to n-1 से मेरा एल कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर मेरे पास एल वैल्यू है तो वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई एम वैल्यूज भी होंगी,
इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वांटम नंबर की, सॉरी नेक्स्ट वेव फंक्शन की अगर आप बात करते हो, साई वेव फंक्शन, तो साई वेव फंक्शन कंप्लीटली चेंज होता है साई के साथ, और साई के साथ अगर वो चेंज होता है तो ये भी हमारा एक एंगुलर फैक्टर को ही डिफाइन करता है। तो एंगुलरली कितना चेंज आ रहा है वो ओवरऑल कैलकुलेट कहाँ से होता है, थीटा और फाई दोनों की हेल्प से हमारा कैलकुलेट होगा कि किसी भी फंक्शन में एंगुलर चेंज कितना आ रहा है वो हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, थीटा और फाई की मल्टीप्लिकेशन से। और ये हमारा फंक्शन जो है सिर्फ एम पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर एम पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ से माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो ये वाले फैक्टर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके ये हुए क्वांटम नंबर्स की बात। इसके बाद अब हमने ये चीज देख ली कि एन एल और एम तीन क्वांटम नंबर ही हैं जो हमारे किसी भी वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन एटम और या हाइड्रोजन लाइक एटम्स को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। एन एल और एम मैंने इस तरह से क्यों लिखा, एन पता होगा तभी एल कैलकुलेट कर सकते हैं और एल पता होगा तभी हम एल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने इस चीज को देखा भी था क्योंकि ये एल जो है वो जीरो टू एन माइनस वन कैलकुलेट होता है और ये मेरा जो एम है वो माइनस एल टू प्लस एल में कैलकुलेट होता है, तो ये इंटर रिलेटेड है। तो एन पता होगा तभी मेरा एल कैलकुलेट होगा और एल पता एल अगर मेरा कैलकुलेट हो जाता है तभी मेरा एम कैलकुलेट होगा। तो उसके बाद हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि भाई तीन क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट है मेरा वेव फंक्शन और इन मतलब इन तीनों वेव फंक्शन की हेल्प से अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में इन तीनों सॉरी क्वांटम नंबर्स की हेल्प से, तो इन तीनों क्वांटम नंबर्स को हम वेव फंक्शन में जस्ट यूज करेंगे और यूज करने के वहां मतलब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हम कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें देखना है फिजिकल सिग्निफिकेंस इन क्वांटम नंबर्स का कि हम जो क्वांटम नंबर्स यूज कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर या ऑब्जर्व इसमें यूज कर रहे हैं इन चीजों को, तो उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं तीनों का ही, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट एन का सिग्निफिकेंस देखें अगर हम, तो एन वैल्यू अगर हमारे पास है हाइड्रोजन एटम के लिए जिस भी शेल से हम उसकी बात कर रहे हैं, वैसे तो फर्स्ट शेल की ही बात होती है, तो अगर मेरे पास एन वैल्यू है वहां से मैं बोहर थ्योरी से हमने बोहर के कंसेप्ट से हमने एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है और यही सेम वैल्यू हमारी जब हमने स्क्रोडिंगर के कंसेप्ट से यूज की थी वही सेम वैल्यू हमारी एनर्जी की आती है लास्ट में सॉल्व होके माइनस 1312 बाय एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है मतलब एनर्जी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन एटम के लिए एन वैल्यू की हेल्प से, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, तो इसका मतलब तो बोहर थ्योरी के कंसेप्ट से या बोहर के कंसेप्ट से हमारे पास जो एनर्जी वैल्यू आती है माइनस 1312 बाय एन स्क्वायर वहां पर जस्ट मुझे उस एन वैल्यू को पुट करना है और वहां से मैं एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो हमारा यही रहेगा कि एनर्जी वैल्यू को इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमारे पास एन की इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं L की हेल्प से कर सकती हूँ, जो आपका L क्वांटम नंबर है उसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। L क्वांटम नंबर अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन है तो अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो आपका कैलकुलेट होगा L इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम का। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास एल की इंफॉर्मेशन है, एल वैल्यू अगर आपको पता है, तो उस केस में आप टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से आपका एल जो है एल वैल्यूज कहां से कहां तक चेंज होती है, देखो एल वैल्यूज तो हमारी कहां से कहां चेंज हो रही थी 1 2 3 4 और अभी हमने एल वैल्यूज को देखा था 0 to n-1 दैट मींस इसमें 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 4 ये वैल्यूज हो सकती है।
सकती हैं, इसमें जीरो नहीं है पॉसिबल, बट मेरी जो एल वैल्यू है वो जीरो भी पॉसिबल है, और आपने स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इनके नाम डिफाइन किए हुए हैं कि एल वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट एल जो एल वैल्यूज आ रही है उनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एस से, पी से, डी से, एफ से, जी से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हमने डिफाइन किया इनकी नेमिंग, मतलब इनकी नंबरिंग को हमने नेम दिए एस पी डी एफ, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इनको अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मतलब शार्क को, एस जो है, पी रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को, डी रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूज को, डिफ्यूज्ड, और आपके एफ की अगर हम बात करें, कहां लिखें एफ की अगर हम बात करें, रब करके दोबारा ही लिख देती हूं, देखो एस पी डी एफ इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हमने इनकी नेमिंग करी, एल वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 के लिए, तो एस रिप्रेजेंट करता है शार्क को, पी प्रिंसिपल को, और उसके बाद डी डिफ्यूज्ड को, और आपका एफ जो है वो फंडामेंटल को। और कैसे डिफाइन किया है इनको सभी को, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, जो इनके ये बैंड्स आते हैं उसके बेसिस पे ये मतलब ये डिफाइन किए गए हैं एस पी डी एफ एंड जी। तो उसी बेसिस पर हमारे यहाँ से हमने क्या चीज मतलब बेसिकली ऑब्जर्व की कि अगर मेरे पास एल वैल्यू है मतलब शार्प डिफ्यूज, मतलब मेरा शेल शार्प है, डिफ्यूज है, या जो सबशेल है, या आपका प्रिंसिपल है या फंडामेंटल है, तो उसके बेसिस पर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एन की हेल्प से हमने एनर्जी कैलकुलेट की, एल की हेल्प से हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हम थर्ड क्वांटम नंबर जो कि हमारा यूज होता है किसी भी वेव फंक्शन में हाइड्रोजन एटम के लिए, वो है आपका एम, उसका अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं तो वो हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट देगा, करके देगा, वो आपकी हेल्प करता है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में ही, बट वो आपकी जेड डायरेक्शन में, थर्ड जो है जो जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाएगा, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो कि आपका एल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम इंटू एच अपॉन 2 पाई। और साथ में अभी हमने देखा जो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा था वो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करके एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर था, बट एच अपॉन 2 पाई तो किसके इक्वल होता है, एच कट के। तो यहां से मैं इसको लिख सकती हूँ इक्वल एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट का स्क्वायर। इसी तरह से यहां भी हम एल जेड को लिख सकते हैं एम इंटू एच कट। तो ये मेरा कंपोनेंट ऑफ जेड, और ये हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों में डिफरेंस समझो, ये सिर्फ मेरा जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरे टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं है, ये इसका पार्ट हो सकता है, इसका कंपोनेंट हो सकता है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा सिर्फ जेड कंपोनेंट है, आपके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों होते हैं। तो ये जस्ट जेड कंपोनेंट है, और जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प लेनी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और यहाँ पर हमारा जो थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी जो क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा कहाँ यूज हो गया, मतलब कहाँ हमने देखा इसका यूज है, कि हमारा जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब हमने इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लिए तीनों क्वांटम नंबर के। उसके बाद एक चीज और है ऑब्जर्व करने वाली आपकी, क्या रहेगी, देखो वो
आपने एनर्जी वैल्यू देखी -1312 बाय एन स्क्वायर। फर्स्ट जो हमने अभी सिग्निफिकेंस किया था, एनर्जी इज इक्वल टू -1312 बाय एन स्क्वायर। तो यहां पर मेरी एनर्जी वैल्यू अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एन डिपेंडेंट है, एन पर ही डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ एन डिपेंडेंट है। और एन मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम नंबर ऑफ शेल सेम रख लें, आपको पता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल की अगर आप बात करो तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो मान लो मैंने सेकंड शेल की बात की तो उस टाइम पे मैं इन 8 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सपोज करो मैंने कोई भी स्टडी स्टार्ट करी, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन में करने लगी, मैंने इन 8 में से कोई 1 इलेक्ट्रॉन उठा लिया, मेरे साथ पैरेलल में कोई और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसने इन 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिया था उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, दैट मीन्स सेम शेल की ही बात कर रहे हैं। मतलब आपके सेम शेल की ही बात हो रही है। आप एग्जांपल ही ले लो, बेरिलियम और बोरोन, एटॉमिक नंबर क्या क्या होते हैं, 4, ये 5, दैट मीन्स 1s2, 2s2, यहां 1s2, 2s2, 2p1। इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, या इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। बात कौन से शेल की चल रही है, सेकंड शेल की ही चल रही है। तो यहां पर बेसिकली हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि अगर मेरा एन सेम हो, एन सेम है, चाहे एस की बात करो चाहे पी की बात करो, तो अगर हमारा एन सेम है बट मैं एस की बात करूं तो मेरी एल वैल्यू 0 है, अगर मैं पी की बात करूं तो मेरी एल वैल्यू 1 है। तो अगर मेरा एन वैल्यू सेम है चाहे उसके बाद L वैल्यू या M वैल्यू डिफरेंट रहे, तब भी मेरा एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब क्या, क्योंकि ये सिर्फ N पर डिपेंडेंट है एनर्जी वैल्यू, तो अगर सिर्फ N पर डिपेंडेंट है तो L वैल्यूज और M वैल्यूज वेरी करने के बाद भी हमारी E की वैल्यू सेम आएगी। और अगर E वैल्यू सेम आती है तब उसको कैसे मतलब ऑर्बिटल्स बोल देंगे हम उनको, उनको तब बोला जाता है डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। कौन से लेवल्स हो जाएंगे, डीजनरेट एनर्जी लेवल कब होंगे, इफ एन वैल्यूज आर सेम, इफ एन वैल्यूज आर सेम, रादर L and M are different। मतलब क्या चीज ऑब्जर्व की कि हमारी अगर N वैल्यू सेम है उसके बाद चाहे L वैल्यू और M वैल्यू हमारी डिफरेंट भी हो जाए तब भी हमारी एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। और अगर ऐसा होगा तो ये एनर्जी लेवल्स हमारे कैसे एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। क्योंकि डीजनरेट एनर्जी लेवल्स उन्हीं को बोला जाता है जिनकी एनर्जी सेम है, विच हैव सेम एनर्जी, विच हैव सेम एनर्जी वैल्यू, जिनकी एनर्जी वैल्यू सेम होती है वो आपके होते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल। तो डीजनरेट एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे एन वैल्यू पर डिपेंडेंट, जिनके पास सेम एन वैल्यू होगी बट एल और एम वैल्यू चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बट ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करेगा। और वो अगर सेम एनर्जी वैल्यू दे रहा है तो वो हमारे डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।